कैसे लगा तुमको सोने का किला? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो हैरान हो गया इसका कारीगरी देख के। इतना सुंदर कारीगरी मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा, जैसे लगा कि पेंटिंग जैसा कुछ है, है ना? हाँ। स्टील स्टोन जिसको सेकंड नेम बोलते हैं हाबूर स्टोन, उस पत्थर की ये खासियत है, मतलब ये तो ये सैंड का सैंड स्टोन बन गया, दूसरे जो यहाँ पर समुद्र था वो सूख गया, उसके बाद जीव जंतु दबे हुए हैं उसका वो पत्थर बन गया, क्या कहते हैं हाबूर स्टोन, फॉसिल स्टोन। हमारे बंगाली में इसको बोलते हैं सोने की केला। इसके अंदर में तो सीमेंट वगैरह यूज किया, लेकिन बाहर से कोई सीमेंट वगैरह यूज नहीं किया होगा। पुराने जितने भी दीवार है, जैसे वहाँ ठंडे के पास में देखिए वो और ऊपर वाली दीवार, इसके अंदर कहीं भी सीमेंट वगैरह यूज नहीं किया हुआ है, खाली पत्थर का पत्थर एकदम लगा। हाँ, क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी, जैसल राजा का नाम था और मेरु पहाड़ को बोलते, इस प्रकार इसको पहले बोलते थे जैसल मेरु, फिर ये जैसल मेर बच गया। और ये हम फोर्ट के अंदर आ गए, फोर्ट के अंदर, और ये फोर्ट का मेन स्टोर है जिसको बोलते हैं दशहरा स्टोर। इस समय दशहरा फेस्टिवल के टाइम राजा वो सामने मार्बल की चेयर है उसके ऊपर बैठते थे, उसके नीचे में जितनी भी सीटियां हैं उसके ऊपर मिनिस्टर्स बैठते थे, एवं उस समय राजाओं के द्वारा भैंसे की बलि चढ़ाई जाती थी, वो ये चामुंडा माता जी का मंदिर इसके सामने, दूसरा बकरी की बलि चढ़ाई जाती थी वो भी गंजियाली देव का मंदिर इसके सामने। 1975 के बाद में बलि प्रथा पर रोक लगा दी है, क्योंकि उस किले के अंदर मोस्टली ब्राह्मण है और जैन टेम्पल है, और जिसको राजा ने अभी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। इसको अंदर से देखने के लिए विद कैमरा 200 रुपये पर हर टिकट है। इस तरफ का पार्ट रानी का पैलेस है, इसके अंदर देखिए रानी बाहर देख सकती थी, लेकिन बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते क्योंकि पुराने समय पता पता होता है। तो ये राजा और रानी का दोनों पैलेस 200 रुपये में देख सकते हैं और जो म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। लगे हुए हैंड ऑफ सती, जैसे सतियों के हाथ है, पुराने समय जब लड़ी सती होती थी उससे पहले हाथ पर कुमकुम वगैरह लगा के गेट के आगे लगा दिए, और आज की तारीख में सती के हाथ पर कोई थोड़ी बंद। ये जैसलमेर का रॉयल एम्बलम है, दो हिरण है, सुगन चिड़िया है, ये यहाँ का सिंबल है। ये जैसलमेर के राजाओं के कुल देवी स्वर्गीय माता का मंदिर है। राजा जिनका नाम गुजरात सिंह था, वो जिनकी डेथ हो गई है, और जो खड़े हैं वो चैतन्य राज सिंह है, वो जैसलमेर के अभी राजा हैं, अभी राजा हैं। हाँ, उनका नाम महारावल चैतन्य राज सिंह है, 28 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पर कुछ फोटोज लगे हुए हैं, ये ऊपर वाले जो फोटो है ये जोधपुर की रॉयल फैमिली फोर्ट पैलेस म्यूजियम घूमने के लिए आए हैं उनके फोटो है, और ये अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अमर सिंह राठौड़ वगैरह न्यू ईयर 2000 फिल्म के लिए आए थे उस समय के ये फोटो है। ये कितनी बड़ी ड्रेस है जो अमिताभ बच्चन से भी बड़ी है, वो अपन देखेंगे अंदर म्यूजियम के अंदर। ये हम लोग अभी म्यूजियम के अंदर घुस रहे हैं, म्यूजियम के अंदर हम घुस रहे हैं अभी। तीन चार तरीके का है, एक तो ऐसा पत्थर होता है जो हार्ड होता है जिसकी ये पूरी दीवारें बनी हुई जैसे ये खंभे बने हुए, थोड़ा ऐसा पत्थर होता है जो उसे सॉफ्ट होता है फ्लोरिंग्स में लगा देते हैं, और उससे जो सॉफ्ट होता है जिसके ऊपर ऐसी कारीगरी होती है वो इस प्रकार से ये पूरा कारीगरी किए हुए झरोखे बदल रहे हैं। तो ये कौन से सोनार पत्थर बाटी वगैरह जो बनती है, सोनार पत्थर की बनती है, और इस पत्थर की खासियत है इसके अंदर अगर दूध क्या कहते हैं गर्म करके अंदर जमाते हैं दही सुबह बहुत ही गाढ़ा जमता है, क्योंकि रेस्ट वास्टर जो होता है उसको एब्जर्व कर देता है। दूसरा यहाँ पर पाया जाता है फॉसिल स्टोन, जिसको सेकंड नेम बोलते हैं हाबूर स्टोन, उस पत्थर की ये खासियत है, मतलब एक तो ये सैंड का सैंड स्टोन बन गया, दूसरे जो यहाँ पर समुद्र था वो सूख गया, उसके बाद जो जीव जंतु दबे हुए हैं उसका वो पत्थर बन गया, क्या कहते हैं
हाबुर स्टोन, फॉसिल स्टोन बोलते हैं, फॉसिल स्टोन, हाँ, उस पत्थर की ये खासियत है उसके अंदर दही गर्म, दूध गर्म करके डालते हैं, दही जम जाता है, और किसी को बीपी या पाइल्स की बीमारी हो तो लॉकेट के अंदर उसको पहनते हैं तो उसको कंट्रोल करता है। लेफ्ट शॉप के अंदर उसकी गिलासें वगैरह मिलती हैं, रात के समय उसको पानी भर के रखते हैं, सुबह उस पानी को पीता है तो शरीर के काफ़ी डिजीज को वो कम करता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। अच्छा, दो तीन चीज़ें इस म्यूजियम के अंदर अपन कॉमन देखेंगे। एक तो आप ये देखो कि दरवाजे छोटे बनाए गए, पुराने समय में दरवाजे छोटे इसलिए बनाए जाते थे, पहली बात तो क्या है कि वो जुश्मन आएगा तो उसका पहले सिर आएगा ताकि सिर ही काट दिया जाए, इसलिए क्या छोटे बनाए। दूसरी चीज इसके अंदर आप देखोगे पलंग छोटे, आधे लोग इतने लंबे छोटे थे जो ड्रेस आपने देखी, लेकिन पलंग छोटा। गर्म पाउडर वाले गन है, ये हैवी होती है इसलिए इसको स्टैंड के ऊपर लगकर हम यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंड गन। अच्छा, ये जो आने पर वाकई की छत है, हाँ, में टाइल्स है, लेकिन पुराने समय में यहाँ पर गाय का गोबर और मिट्टी मिला के बनाते थे। अच्छा, लकड़ी और गाय का गोबर न तो गर्म होता है न ठंडा ठंडा होता है। ये जो आप देख रहे हैं खोपड़ी और हेलमेट, जैसलमेर के दो राजा का शादी नेपाल में राणा फैमिली की हुई है, उनको ये डवरी में मिला हुआ, सामने वो भाले है, इसके अंदर जो भी अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं 19 और 20 सेंचुरी 19 और 20 सेंचुरी। ये गन बार वाली गन है, ये लंबी है, लंबी इसलिए होती थी उसको कैमल के ऊपर बैठ कर यूज करना, हाँ, और कैमल की गदन क्या लंबी होती है, रेगिस्तान का जहाज, और कैमल का एक बार पानी पीता है तो 15 दिन तक बिना पानी के रहता है। वैज्ञानिक रिसर्च किया कि उसकी चमड़ी और उसका ऊन ही ऐसी बना हुई डेजर्ट के हिसाब से, इसलिए लोग लेके जाते हैं गर्मी सर्दी हर जगह यूज करते थे कैमल का। ये घोड़े के चामों को ऊंट की घोड़ी, घोड़े ऊंट को जब सजाया जाता था तब यूज करते थे, आज की तारीख में घोड़े कहीं कहीं है ऊंट कोई भी यूज नहीं करता। ये देखिए धनुष बाण, जैसलमेर के राजा चंद्रवंशी है, ऊपर देखिए हाफ मून बना हुआ है, ये मून अगर सीधा सिंबल क्या कहते हैं निशान बनाए तो गर्दन कट जाते हैं, इस हिसाब से बना हुआ है। ये गन पाउडर रखने का फ्लास्क है, इसके अंदर गन पाउडर भरकर फिर या तो कमर के बांध देते थे या नंबल्स के अंदर रख देते थे, तो हेलमेट का भी काम हो जाता था। जैसे कस्टम फ्लास्क है आपके ट्रेनिंग के लिए, वो ट्रेनिंग के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। जैसलमेर के राजाओं का जो भी रात लगाया गया था वो यहीं पर किया गया था, अभी वाले राजा हैं उनका भी रात लगिया, इनके फादर का बृजा सिंह का भी यहाँ पर रात लगाया गया था, और ऊपर तलवार इसलिए रखी हुई कि आज भी हमारे यहाँ पर राज परंपरा है, और राजगद्दी और राज सिंहासन खाली नहीं रहते हैं, और ऐसी राजा के पास में करीबन 68 चेयर और पड़े हैं, और जैसलमेर के राजा भगवान श्री कृष्ण के वंशज है इसलिए ऊपर इनको छाता लगाना पड़ता है, चंद्रवंशी है इसलिए। और पुराने समय में हमारे यहाँ पर क्या काबुल कंधार अफगानिस्तान वाया जिसमें रुते हुए दिल्ली के लिए सिल्वर और सिल्क रूट था, तो राजाओं के पास में और कोई इनकम ऑफ नहीं थे, होते थे तो सिर्फ टैक्स लगाते थे और ऐसा खूब। यहाँ पर रात को जिस जगह पे खड़े हैं ऊपर ये हवा पोल है,
जो VIP लोग होते थे उनके लिए मतलब फूलों से कलर और गुलाब से यहाँ पर स्वागत किया जाता था, लेकिन जो दुश्मन आते थे उसके ऊपर तेल कर कर गर्म करके इसके ऊपर डालते थे ये हवा को। ये 1156 AD महाराजा जैसल देव ने जैसलमेर की स्थापना की 1156 से लेकर 1167 तक, ये जो टाइम पीरियड देखा है रूलिंग टाइम। जैसलमेर के राजाओं की जनरोलॉजी ट्री है, ये पहले राजा भगवान श्री कृष्ण है, 88 नंबर पर राजा भाटी हुए, 116 पर महाराजा जैसल देव हुए, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द जैसलमेर, और 158-159 पर अभी जैसलमेर के राजा, मतलब भगवान श्री कृष्ण से लेकर 159 पर जैसलमेर के राजा यदुवंशी। और जैसलमेर की भारतीय राजनीति नव राजधानी रही है काशी मथुरा प्रागर गदनी दिगम दिरा जैसलमेर। फोटो खुचा रहा जैसलमेर एक राजा केहर के 21 रानियाँ थी, 21 ओनली, बाकी तेरा 15 नॉर्मल हो गई, लेकिन पंजाब के पटियाला की किंग की 365 रानियाँ थी। पांच मैं तुम्हें बोल रहा था याद आ गया। और ये वो विडोल एम्बलम और ये जश्न के अभी याद आ गया। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जैसे यहाँ से बारिश का पानी होता है यहाँ नीचे आ जाता है, फिर वो सामने वो जगह पर वहाँ से नीचे चला जाता है। राजकुमार के ट्रेनिंग के लिए इसलिए नीचे ये लगे हुए टायर और इधर है ये सिर का है ये सब उस समय का स्कल्पचर है। ये जो आप देख रहे हो ये है लेडीज के हिसाब से मतलब मेकअप कर रही है कि सिंदूर भी करे तो कांच के ऊपर गिरना शुभ माना जाता है। और ये जो आप देख रहे हो प्रभु श्री राम है, वर्ल्ड में आप कहीं भी घूमने चले जाओ प्रभु श्री राम की दाढ़ी वाली मूर्ति कहीं नहीं देखोगे, ये दाढ़ी वाली मूर्ति है, क्योंकि जैसलमेर की जनता जानती थी कि उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था तो शेविंग करने के लिए कहाँ टाइम था। ये डांस करते हुए इधर लाइटिंग दीपक के साथ डांस, बच्चे के साथ डांस, और देख लीजिए आप सभी मूर्तियों में नाक देखिए आप। राजस्थान के अंदर लड़की को कभी देखा ही नहीं जाता था, लड़के को देखा जाता था उसका नाक दिखा होना चाहिए ताकि ताकि सासू मासूर उसको उसका नाक को पकड़ सके। बेल्जियम विलासेज है और ये जो जगह है इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम ये राज गद्दी है, इसके ऊपर शील्ड रखी हुई है, ऊपर तलवार रखी हुई थी, तो मतलब राज गद्दी और राज सिंहासन खाली नहीं रहते हैं। कहते हैं यहाँ राजा बैठते थे, ये गेट खोल दिए जाते थे, शादी वाले सामने ऑडियंस और होता था, लोग बैठते थे, राजा से जिसको भी बंदा में बात कर लिया ये जब ये सब वेलवेट वॉक है। ये दिखने में लकड़ी लगता है लेकिन ये पत्थर है, ये पत्थर है हाँ। और यहाँ जाके देखने का कुछ ये ग्रीन एरिया दिख रहा है, पूरा एयरफोर्स एरिया है और सिविल एयरपोर्ट भी इधर। अच्छा ये सामने जो आप देख रहे हो ये पानी वाला भाग है, गरीसर लेक है जिसको महारावल गद्दी सिंह ने 14th century में बनाया था। अच्छा 1965 तक लोग इस पानी को पीते थे, आज इस पानी को कोई नहीं पीता सिर्फ देखने के लिए। इसके आगे जो खाली इलाका पड़ा है ये पूरा कैचमेंट एरिया, मतलब ये सिर्फ पानी आने के लिए है, नो कंस्ट्रक्शन जो है। अच्छा बाकी इधर आइए ये किले के अंदर सबसे अच्छी होटल है किला पॉइंट, ये होटल है हाँ। और वो सामने रेलवे स्टेशन है, पानी की टंकी के पास में व्हाइट पार्क खड़ा है हाँ। रेलवे स्टेशन है, यहाँ से इंजन वापस खुल जाता है। एक ये देखिए नीचे वाला मकान ऊपर ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, ऊपर गोल गोल हाँ।
ये सालिम सिंह की हवेली है, सालिम सिंह राजा का दीवान है। लेकिन ये जब दीवान थे उस समय जैसलमेर के राजा छोटी उम्र थे, लेकिन सब कुछ पावरफुल ये थे। इनके काल पाली वालों ने 84 विलेज एक गांव खाली कर दी थी एक ही नाइट में, जिसमें हंटेड विलेज खुल रहा। फिर लोग सालिम सिंह को जालिम सिंह बोलते थे, कहते हैं कि जालिम सिंह को राजा ने डील पर बुला के उनको चहर देकर मारा और उसके ऊपर अभी 5 स्टोरी थी, 2 स्टोरी और थी। फिर वो यहाँ से यहाँ तक ओवर ब्रिज बनाना चाहते थे, तब जैसलमेर के राजा ने उसके ऊपर का भाग टॉप से उड़ा दिया। तो ये सालिम सिंह की हवेली कुछ नहीं, ऊपर से बाघ दिख रही उतनी ही है। वो सामने पटवा हवेली जिसके ऊपर कुछ लोग घूम रहे हैं, ब्लैक विंडो और ये पीला बड़ा मकान दिख रहा है। हाँ, ये पटवा हवेली दिख रहा है आपको कौन सा? ये बिल्डिंग, ये पटवा हवेली। अच्छा। हाँ, और ये जैसलमेर का रॉयल फ्लैट, ये जैसलमेर का फ्लैट था। जैसलमेर के अभी राजा वहाँ पर, वो सामने जो होटल दिख रही है जवाब वहाँ पर, और ये सामने हो गए पहाड़ी के ऊपर जो बनी हुई छतरियाँ हैं वो ब्राह्मणों का शमशान घाट है, उससे 4 किलोमीटर आगे राजाओं का शमशान घाट है। तो ये है जैसलमेर गोल्डन सिटी, जैसलमेर सिटी की पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख। और ये जो आप देख रहे हो मैंने बोला चांदी का बैर छोटा वो, और राजा लोग चांदी के बर्तन के अंदर भोजन इसलिए करते थे, चांदी की तासीर होती है ठंडा, दूसरी चीज़ अगर इसके अंदर कोई पॉइजन बना देते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओ हाँ, और ये ऊपर देखिए कड़िया है हैंगिंग फैन लगाने के लिए। अच्छा, तो ये इतना बड़ा कोई आदमी का कैसे हो सकता है? कपड़ा कहते हैं राजा लंबे चौड़े थे, बाकी राजा का नाइट क्राउन है। अंदर रानी के पैलेस के अंदर ये गणगौर माता गौरी माता है, मतलब पार्वती का रूप है, इसकी पूजा अनमेरिड लेडीज और न्यू मेरिड लेडीज करते थे। पुराने समय में हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी गणगौर यात्रा निकलती थी, इसमें हाथी घोड़ा ऊंट पैदल आदमी विद ट्रेडिशनल ड्रेसेज और गणगौर की यात्रा। अभी अपने 4 गेट की चढ़ाई की, पहला गेट अक्षर पोल, दूसरा गेट सूरज पोल, तीसरा गेट गणेश पोल, चौथा गेट हवा पोल, ये राजा का पैलेस, रानी का पैलेस। अभी अपन यहाँ पर खड़े तो ये पूरा जैसलमेर फोर्ट, फोर्ट का मैप है, हिंदुस्तान के मैप जैसा दिखता है, जहाँ जैसलमेर के अभी राजा रहते हैं। अच्छा, इधर जैसलमेर के अभी राजा रहते हैं। और ये वाला गणगौर जो फेस्टिवल मनाते थे, मैंने आपको बड़ा इस प्रकार हमारी गणगौर यात्रा निकलते थे। ये बालिका बंधु अगर आपने पिक्चर देखी, सीरियल आता है ना, वो ये फोर्ट रजौड़ा का है। और ये हॉन्टेड विलेज कुंद्रा जो अभी आप देख रहे थे उसका ऐसा गेट है, वहाँ आपकी टिकट। अच्छा, ये हॉन्टेड विलेज क्यों बोलता है? सालिम सिंह की वजह से एक नाइट में खाली कर दिए थे, ये सरकार के हाथ में है ये पूरा गांव, इसलिए दिन दिन में देखने देते हैं, सनसेट होते घर से वहाँ से बाहर निकालते हैं। इसको बोलते हैं जैसलकूट, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन मथुरा से द्वारिका जा रहे थे, उस समय पहाड़ी के ऊपर कोई नहीं रहता था, अर्जुन को प्यास लगी तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कुआ खोदकर अर्जुन की प्यास बुझाई। इस कुए की ये खासियत है कि 250 फीट की पहाड़ी पर बना हुआ है, फिर भी 360 फीट डीप है, बाहर वाले जो पहाड़ी से है वो भी 360 फीट डीप है, पानी दोनों का एक जैसा। यहाँ पर मुकुल खोया वो दिखाते, वो मुकुल बाड़ ये है, यहाँ पर झरोखा था ये टूट गया है, उसमें पानी का टैंक नहीं था, इसके पीछे में वो सीढ़ियाँ बनी हुई जहाँ हम मयूर मोती छुपते हुए दिखाते हैं। अच्छा, हाँ आइया, यहाँ से मुकुल का सीन था। हाँ जी, मुकुल बाड़ ये है। जहाँ मयूर मोती चुपते हुए लिखा था, मयूर बाग गांव से लाया गया, मयूर बाहर गांव से लाया लगता कुछ सही में। हाँ, ये जो आप देख रहे हो पटवा हवेली, पटवे लोग मेनली बात में जैन थे, लेकिन वो सोने और चांदी के धागे से गुंथाई और पोई का काम करते थे, जिसको पटवाई बोलते हैं, जिसके कारण पटवे के लाए। तो गुमान में बात के 5 बेटे थे, 5 बेटों को रहने के लिए नंबर से 5 मकान बनाए, एक मकान को बनने में 12 साल, 5 को बनने में 60 साल। व्यवसाय इतना पैसा कमाया, खूब कमाया, खूब लगाया।
तो राजा के महल से भी बेहतर। इसमें ऊपर देखिए आप, कुछ राउंड वाली बालकनी जो मुगल आर्किटेक्चर की, स्क्वायर वाली जो हिंदू आर्किटेक्चर की, इसकी खिड़कियां लकड़ी की है, बाकी पूरा पत्थर के ऊपर काम किया हुआ है। थोड़ी और छनी दो चीज से काम किया हुआ है। दो स्टोरी अंडरग्राउंड में, चार ऊपर में, पाँच सिंह आती, इस प्रकार ये सेवन स्टोरी की है। ये अंडरग्राउंड में भी है। हाँ, कैसे लगा तुमको सोने का किला? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो हैरान हो गया इसका कारीगरी देख के। इतना सुंदर कारीगरी मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा। जैसे लगा कि पेंटिंग जैसा कुछ है, है ना? हाँ, बहुत अच्छा। आइए देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। इधर वैसे बहुत सारे शॉप्स हैं, आप कुछ खरीदना चाहो तो खरीद सकते। नहीं मिल रहा कि कुछ खरीदें। हाँ, बहुत सुंदर।